तो गाइस ये रही 2022 SZS का न्यू मॉडल जो कि ड्यूलेक्स मॉडल है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये रही। एंड अभी फिलहाल बात करूंगा इस बाइक के चेंजेस के बारे में, फिर आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा, इसका एग्जॉस्ट नोट हो गया, हर चीज़ आपको है डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस अभी से ही कर दो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, आपके लिए काफ़ी जल्दी जो है वीडियो लेकर भी आ चुका हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फ्रंट से, आप देख सकते हैं पहले आपको मैं इसके लोगो की तरफ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको यहाँ पे जो है आपको 3D FZS का जो है गोल्डन कलर का लोगो देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वर्जन 3.0 देखने को मिलेगा। एंड जिसका टैंक है गाइस आप देख सकते हैं आपको ग्लॉसी कलर का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्रंट में जो है आपको यहाँ पे क्रोम का ये डिज़ाइन देखने को मिलता है हनीकॉम में। एंड अगर एलॉयल की बात करूँ तो ये इसका नेक्स्ट चेंज है गाइस, जो कि पहले आपको बॉडी कलर मिलते थे लेकिन अब जो है आपको इसमें नए कलर के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ये आपको गोल्डन कलर का देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसमें आपको जैसा कि बीच में MT15 के कलर चेंज में किए थे सेम वैसा। इसके अलावा आपको जो है फ्रंट में डिस्क मिल जाता है विद ABS फ्रंट, यानी कि आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, कोई चेंज नहीं है उनमें, आपको टायर सेक्शन वगैरह हर चीज़ जो है आपको एकदम सेम देखने को मिलती है। इंजन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन गार्ड मिल जाता है, इसके अलावा इंजन में भी कोई खास चेंज नहीं है, आपको इंजन जो है वही 149 cc का मिलता है सेम पावर के साथ, कोई चेंज नहीं है। बाकी जो चेंज आप देख सकते हैं वो है इसकी गाइस सीट में, सीट आप देख सकते हैं पहले आपको नॉर्मल सीट मिलती थी बट जो है आपको इसमें अब कलर्ड सीट मिलती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, मरून कलर की जो है आपको इसमें सीट देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप साइड से भी लुक देख सकते हैं, साइड से भी जो लुक है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। रियर में आपको जो है गोल्डन कलर के एलॉयज मिल जाते हैं 140 सेक्शन के टायर के साथ, आप देख सकते हैं। अब बात करूँ अगर इसके नेक्स्ट चेंज की तो गाइस वो है इसकी टेल लाइट, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इसमें जो है आपको MT15 वाली टेल लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहे आपके इसके इंडिकेटर्स जो कि अभी हैलोजन है, ये एक डाउट है गाइस मेरा क्योंकि ड्यूलक्स मॉडल में जो है LED इंडिकेटर मिलने वाले थे बट ये अभी आपको इसमें हैलोजन ही शो हो रहे हैं। आई थिंक जो है आपको या तो ऑप्शनल मिलेंगे या आपको उसको परचेज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं FZS की जो है MT15 वाली आपको टेल लाइट देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। फ्रंट से अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको जो है LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको इसमें लो बीम हाई बीम दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको वही हैलोजन पायलट लैंप एंड जो इंडिकेटर्स है वो आपको जो है हैलोजन में ही देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज़ आप लुक देख सकते हैं फ्रंट से काफ़ी अच्छा जो है इसका लुक आ रहा है। मीटर कंसोल की अगर बात करूँ गाइस तो मीटर कंसोल जो है आपको एकदम सेम पहले की तरह देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है, सेम आपको वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे RPM मीटर, यहाँ ट्रिप, यहाँ फ्यूल गेज, छोटा सा जो है आपको इसमें पहले वाला मीटर कंसोल मिल जाता है बट इसमें जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा एक बार जो है इस बाइक को हम स्टार्ट करके भी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं। देखा गाइस वन टैप में जो बाइक है स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस कुछ इस टाइप का जो है आपको इसमें एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है बाइक का यही आपको चेंज देखने को मिलता है और कोई इसमें खास चेंज आपको नहीं मिलता। जो चेंज था गाइस वो था इसके कलर कॉम्बिनेशन का जो कि आप देख सकते हैं। बाकी जो आपको है LED फ्लैशर भी इसके मिल जाएंगे जब आप इसको परचेज करेंगे। प्राइस की अगर बात करूँ तो गाइस 1,42,000 के करीब जो है इसका ऑन रोड प्राइस जाएगा। एंड ये जो बाइक है गाइस ये जो है शोरूम में अवेलेबल हो चुकी है, शोरूम का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा मेंशन कर दूंगा, आप जाके जो है इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बाकी आप लुक देख सकते हैं इस बाइक का काफ़ी अच्छा जो है लुक आ रहा है, ये आप देख सकते हैं आपको इसमें गोल्डन कलर के जो है आपको 3D लोगो देखने को मिलते हैं। बाइक जो है गाइस पहले से थोड़ी बेटर हो चुकी है तो आप चाहे तो ले सकते हैं, छोटे मोटे अपडेट के बाद भी इस बाइक में जो है काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया है। एंड गाइस इसका जो सेकंड वेरिएंट है यानी कि दूसरे कलर वाला वो ये खड़ा गाइस, इसकी भी वीडियो चैनल पर बहुत जल्द आ जाएगी तो आप जाके उसे भी चेकआउट कीजिए। एंड गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।